ओम शांति दीदी, आज बाबा ने मुरली में बताया कि इस मायावी दुनिया में हर बात में दुख है, इसलिए इस पुरानी दुनिया में कोई भी आश नहीं रखनी है। दिल कहता है कि एक बच्चा पैदा कर दे, माया की टेम्पटेशन होती है कि शादी कर एक बच्चे का सुख ले ले वे। हाँ, गारंटी थोड़ी ही है कि बच्चा सुखी देगा। 2000 वर्ष में बच्चा मर जाए तो और ही दुखी हो बढ़ेंगे, फिर सदमा लग जाता है। हाँ? क्योंकि यह है ही दुख धाम। हाँ देखो, खाना भी तो कैसा खाते हैं। तो बात सुन जाते हैं कि बच्चे ऐसी आशाएं नहीं रखो, माया बड़ा तूफान में ले आएगी, झट विकार में गिरा देगी। फिर आने में ही लज्जा भी आती है, सब कहेंगे कुल को कलंकित किया है तो वर्षा क्या लेंगे। अगर विकारों में गिर पड़े तो ऐसे कुल कलंकित और ही 100 गुना कड़ी सजा खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कोई तो विकार में जाते फिर बतलाते नहीं तो बहुत दंड के भागी बनते हैं। फिर धर्मराज की सजा खानी पड़ेगी। फिर चाहे माया के कितने भी तूफान आए, लेकिन कभी भी कुल कलंकित नहीं बनना है। और खान पान की भी बहुत परहेज रखनी है, पार्टी आदि में जाते हैं तो बहुत युक्ति से चलना है। हाँ, कोई भी भूल हो तो झट बाप को बता दो, विकार बिगड़ रह नहीं सकते हो तो यहाँ नहीं आओ, बेहतर ही है, नहीं तो वायुमंडल खराब होगा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।